तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, फाइटर मूवी की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नंबर 10 निकल कर आ चुकी है और जो पब्लिक है वो लग रहा है कि फाइटर मूवी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि इसकी एडवांस बुकिंग बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। यहाँ पर नेशनल चेन्स ने भी बहुत ही ज्यादा कम टिकट सोल्ड आउट की है और सिर्फ अब 24 आवर्स का समय बचा हुआ है फाइनल एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आने में। तो चलिए आपको बताते हैं कि अभी जो लेटेस्ट एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है उसमें फाइटर कितनी एडवांस बुकिंग कर चुकी है। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो ऑफिशियल रिपोर्ट है वो 23 जनवरी के दिन की रात के 9 बजे तक की है। 23 ऑफ जनवरी के दिन की रात के 9 बजे तक की ये ऑफिशियल एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट है, जिसमें दोस्तों हिंदी की 2D से 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें 70,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के 3D वर्जन से 2.6 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें 80,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। हिंदी के IMAX 3D वर्जन से 45 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 7,122 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और हिंदी के 4DX 3D वर्जन से 15 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 2,100 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अब अगर हम हिंदी और उसके साथ साथ 2D, 3D, IMAX और 4DX का टोटल कर देते हैं, तो फाइटर मूवी की जस्ट 24 आवर्स पहले जो ऑफिशियल अभी तक एडवांस बुकिंग है वो 4.67 करोड़ की हुई है। 4.67 करोड़ की फाइटर की अभी तक ऑफिशियल एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 1,51,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। ये दोस्तों 24 घंटे पहले बहुत ही ज्यादा कम एडवांस बुकिंग है फाइटर मूवी की। वहीं अगर हम नेशनल चेन्स की बात करें कि जो 3 बड़े मल्टीप्लेक्स हैं इंडिया के, जो जिसमें PVR, INOX और सेन पुलिस आता है, तो इन्होंने कितनी कितनी टिकट सोल्ड आउट की है, तो PVR प्लस INOX ने 70,000 टिकट सोल्ड आउट की है, वहीं पर सेन पुलिस ने 12,000 टिकट सोल्ड आउट की है। टोटल दोस्तों 82,000 जो टिकट्स हैं वो अभी तक नेशनल चेन से सोल्ड आउट कर चुका है, जो कि फाइटर मूवी के मुकाबले, सिद्धार्थ आनंद की इतनी बड़ी मूवी, ऋतिक रोशन की बड़ी मूवी के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। अब आप बताइए, क्या फाइनल एडवांस बुकिंग 10 करोड़ तक भी पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? आपकी जो भी प्रेडिक्शन है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।